आप देख रहे हैं P20 न्यूज। मेरठ के युवक को ऑनलाइन चैटिंग के बाद हुई दोस्ती में मिला धोखा। अब खबर विस्तार से। मेरठ IIT पास आउट ऑफ अमेजन में नौकरी करने वाले युवक को जाल में फंसाया और फिर शारीरिक संबंध बनाने का लगाया आरोप। युवती पल्लवी हार्मोन्स रिपोर्ट में की छेड़छाड़। पैथोलॉजी रिपोर्ट को स्कैन करने के बाद बढ़ा दिया हार्मोन्स, फिर खुद को बता दिया प्रेग्नेंट। पीड़ित युवक आकर्षक ने असली रिपोर्ट दिखाई तो युवती प्रेग्नेंट नहीं थी। आकर्षक के पास युवती का नशा करने को फोर्स करने की चैट। युवती स्वार्थी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट, बिहार की रहने वाली है युवती। युवक आकर्षक का आरोप, युवती करती थी कई तरह का नशा। रेप का मुकदमा दर्ज कराया और फिर 10 लाख में बनाया समझौता का दबाव। 3,25,000 में लिखित में हुआ समझौता। अब युवती फिर कर रही है पैसों की डिमांड। पैसे न देने पर युवक को दे रही है जान से मारने की धमकी। अब इंसाफ की आस में भटक रहा युवक। मेरठ से लक्ष्मी बड़ौनी की रिपोर्ट। न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आकाश ये बताइए, शॉर्ट में पहले तो बताइए कि मामला क्या हुआ था, कैसे आप इसके जाल में फंसे? देखिए, मुझे ऑनलाइन इस लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, हमारी ऑनलाइन बातें होनी शुरू हो गई, हम एक आध बार मिले, फिर मुझे ये लड़की सही नहीं लगी, इसकी चैट मुझे सही नहीं लगी, ये नशे वगैरह करती थी और फालतू मैसेजेस करती थी कि तू मुझे फोर्स क्यों नहीं करता, फोर्स किया कर, ऐसा सब, तो मैं इससे बात करनी बंद कर दी। फिर इसे कहीं से पता चला लड़का अच्छा खासा है, IIT से पढ़ा हुआ है, अमेजोन में जॉब कर रहा है, लाइफस्टाइल बहुत सही है, तो इसने फिर बात करने के लिए अलग अलग पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए, मैसेज करने शुरू कर दिए, मैंने बात नहीं की, अलग अलग नंबर से रास्ते में चलते हुए लोगों के फोन ले लेके शायद मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने 20 से ज्यादा नंबर ब्लॉक किए इसके, लेकिन ये रुकी नहीं। उसके बाद भी जब भी मैं बात नहीं कर रहा था तो इसने अपने दोस्तों के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश करी, फेक प्रेग्नेंट होने के ड्रामे करने शुरू कर दिए, फेक रिपोर्ट्स भेजी। इसने हमें नॉर्मली जब कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहा है तो किट से टेस्ट करता है, ये पहले तो इसने किट भेजी, किट में इसे लगा कि सामने वाला बिलीव नहीं करेगा, तो ये क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है तो इसे पता है हार्मोन्स वगैरह के टेस्ट कौन से कराने, इसने खुद से ही हार्मोन्स के टेस्ट कराए लैब में जाके और उस रिपोर्ट को रिपोर्ट की PDF डाउनलोड करके उसको एडिट करके हार्मोन्स लेवल चेंज कर दिए ताकि दिखे कि ये प्रेग्नेंट है। फिर मेरे घर का भी पता लगा लिया और मेरे घर पे आके मेरे मम्मी पापा को फेक रिपोर्ट दिखाई कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है, मेरे दोस्तों को, मेरे बॉस को, मेरे जूनियर्स को कॉलेज में, सबको इसने फेक रिपोर्ट भेजी, पूरा डिफेमेशन किया ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दबाव बनाने लगी, फिर पैसे मांगने लगी, या तो पैसे मांगने, शादी पहले तो इसने शादी का दबाव बनाया, बोलती है या तो शादी करो या फिर मुझे इतने इतने पैसे दो। इसके पापा भी आ गए, इन्होंने हमसे पहले 10 लाख रुपए मांगे, हमने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया, फिर जाके कहीं 3.25 लाख रुपए में बात बनी थी, हमने रिटर्न एग्रीमेंट भी किया था कि ठीक है कोई किसी पे केस नहीं करेगा, बात खत्म करो क्योंकि हमें फालतू लंबे झंझट में पड़ना नहीं है। फिर 3.5-3 लाख रुपए लेके फिर ये इसको लालच आ गया, अगले दिन जाके इसने FIR कर दी कि मेरे को या तो पूरे पैसे दो या शादी करो। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हमें हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, हाई कोर्ट ने बोला है कि दिस मैटर्स रिक्वायर कंसिडरेशन, मामला झूठ लग रहा है, तो लेकिन उसके पास हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एविडेंस नहीं आया है सिवाय सेक्शन 164 के जो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें लड़की बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे झांसा देके ये किया गया और मुझे 2 बार मिसकैरेज कराया गया। पहली बात तो 3 महीने में 2 बार मिसकैरेज कैसे पॉसिबल है, और उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी और उसने एडिट कर करके फोर्जरी की है, हमारा एक्सट्रोर्शन किया है। इसके अलावा इसके बाद भी हम पे ही चार्जेस लगाए जा रहे हैं, हमारे केस पे क्लोजर नहीं लगाया जा रहा, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे केस पे क्लोजर लगाया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, उस पे डिफेमेशन, फोर्जरी और एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाए।